हे गाइस, अगर आप भी कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद उसे इंस्टॉल करते हैं, तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलता है, ऐप नॉट इंस्टॉल्ड। आप इस प्रॉब्लम को कैसे फेस करेंगे, इस प्रॉब्लम को कैसे सही करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सो आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं भी जब दोस्तों माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड किया, उसके बाद मैंने उसे इंस्टॉल करना चाहा, तो मुझे मिला ऐप नॉट इंस्टॉल्ड। तो वहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मुझे मिला, जब मैंने टैप किया इंस्टॉल करने के लिए, तो मुझे मिला ऐप नॉट इंस्टॉल्ड। तो मैंने क्या किया दोस्तों, वहाँ पे एक और मुझे नोटिफिकेशन मिला कि गूगल प्ले स्टोर थर्ड पार्टी ऐप नॉट अलाउड। तो वहाँ पे मुझे ओके का ऑप्शन मिला। ओके पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मुझे एक सेटिंग में ले गया और वहाँ पे मिला अलाउ सिक्योर। तो मैंने अलाउ कर दिया तो इंस्टॉल होने लगा। लेकिन जब इंस्टॉल किया मैंने, तो वहाँ पे मुझे ओपन का ऑप्शन नहीं मिला था, सिर्फ डन का ऑप्शन मिल रहा था, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऐप नॉट इंस्टॉल्ड और डन का। अगर ये इंस्टॉल हो जाता तो एक साइड में ओपन और एक साइड में डन का ऑप्शन मिलता। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसका मेन रीजन ये होता है कि दोस्तों आपके फोन में जो स्टोरेज स्पेस रहते हैं, जो कि आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं, जब मैं आप इस ऐप को इंस्टॉल कर रहा था तो यहाँ पे मेरे नोटिफिकेशन में ये सब शो कर रहा था। आप देख पा रहे हैं, फ्री अप स्टोरेज स्पेस टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, और यहाँ पे नो एसडी कार्ड और इंटरनल स्टोरेज रनिंग आउट। यहाँ पे मेरा स्पेस फुल था और इसकी साइज़ जो है माई 11 सर्कल की वो 81 थी। तो ऐसे में दोस्तों ये ऐप इसलिए ऐप नॉट इंस्टॉल्ड दिखा रहा था। अगर दोस्तों इससे भी आपका सही नहीं होता है, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि मेन रीज़न यही होगा, जैसे ही मैंने अपने सेटिंग में गया और वहाँ पे स्टोरेज में जाके मैंने कैश क्लियर किया, तो यहाँ पे ये ऐप इंस्टॉल हो गया। और मैं आपको अपने होम स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ कि ये ऐप इंस्टॉल हो गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे होम स्क्रीन पर माई 11 सर्कल है। तो इस प्रॉब्लम को इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इससे भी सॉल्व नहीं होता तो आपको अपने प्ले स्टोर में आना होगा। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको यहाँ पे प्रोफाइल पे आपके क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करना नीचे आना है, यहाँ पे मिलेगा प्ले प्रोटेक्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर मिलेगा सेटिंग का ऑप्शन, आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्कैन ऐप विथ प्ले प्रोटेक्ट इम्प्रूव हार्मफुल ऐप डिटेक्शन, तो आपको इसे, ये ऑन है, इसे आपको ऑफ कर देना है। तो अगर आप ऐप इंस्टॉल्ड, ऐप नॉट इंस्टॉल्ड का ऑप्शन मिलता है तो वो नहीं मिलेगा अगर इसे आप ऑफ किए रहेंगे। सो यहाँ पे एक दूसरा रीज़न ये भी था कि अगर ये ऑन रहता है तो जो प्ले स्टोर है वो थर्ड पार्टी ऐप अलाउ नहीं करता, इसलिए वो ऐप नॉट इंस्टॉल्ड वहाँ पे शो करता है। तो वो रहा दोस्तों प्ले स्टोर में दूसरा रीज़न कि ऐप नॉट इंस्टॉल्ड का ऑप्शन मिलता है। तो मुझे लगता है दोस्तों यही मेन रीज़न होता है कि अगर आपके फ़ोन में स्पेस नहीं है तो आप अपने फ़ोन में स्पेस पहले करिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्री अप स्टोरेज स्पेस टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ये अगर आप इस पर टाइप करते हैं तो आपको क्या करेगा, वो सीधा आपको सेटिंग स्टोरेज में ले आएगा। जैसे ही आप उस पर टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद स्टोरेज क्लियर का ऑप्शन नीचे मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे फ़ोन मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है, लेकिन आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं चेक फॉर लार्ज, यहाँ पे अनयूज्ड फाइल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी अनयूज्ड फाइल रहेंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, अगर गैलरी से या फिर फाइल से डिलीट करते हैं तो उतना कुछ डिलीट नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं इनमें से आपको थोड़ा थोड़ा करके डिलीट कर देना है। चेक फॉर अनयूज्ड वीडियो, चेक फॉर अननीडेड फोटोज़ और चेक फॉर अनयूज्ड म्यूजिक, इनमें से आपको चेक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, जो भी अनयूज्ड रहेगा आप उसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये क्लीन हो गया, तो आप जैसे इस पर टाइप करेंगे यहाँ पे आपको वो रिडायरेक्ट कर देगा। तो अगर आप स्टोरेज क्लियर कर देते हैं तब भी आपका ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, ये ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा ऐप नॉट इंस्टॉल्ड। अगर ये पहला और दूसरे रीजन से नहीं होता है तो आपको करना क्या, आपको अपने सेटिंग में जाना है, वहाँ पे आपको सर्च कर देना है रीसेट सेटिंग। अगर आपको मिलता है रीसेट सेटिंग का ऑप्शन तो आप अपने सेटिंग को रीसेट कर देंगे, तब भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आप काफ़ी आसानी से ऐप नॉट इंस्टॉल वाले प्रॉब्लम से फेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मैं उस पर रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो